नमस्कार, मैं प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ आपका सनातन भारत परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी कि जिनको समस्या है डबल चिन की, जिनको फेशियल फैट बहुत ज़्यादा है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा मोटापन है, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या खाना है और कैसे मसाज करनी है। तो इसके लिए एक तो उपाय अच्छा है हरी इलायची। हरी इलायची आप रात में गुनगुने पानी के साथ दो हरी इलायची ले सकते हैं। ये आपका फेशियल फैट के लिए अच्छा उपाय है। और इसको लेकिन आपको हरी इलायची को, दोनों हरी इलायची को बहुत चबा चबा कर खाना है। इसके बाद में बहुत अच्छे से चबाना है और जो हरा जो भाग है इलायची का उसको भी चबाते रहिए चबाते रहिए चबाते रहिए अच्छे से काफ़ी देर तक। एक तो ये उपाय है। दूसरा है आपका हरी इलायची के अलावा कि जो विटामिन ई से जो भरपूर जो चीज़ें हैं, स्क्रीन पर आप इनकी लिस्ट देख पा रहे हैं विटामिन ई की चीज़ों की, तो आपको इन चीज़ों का अधिक सेवन करना है। विटामिन ई के अलावा आपको जो मसाज करनी है चेहरे की, मालिश करनी है, वो भी आपको विटामिन ई से भरपूर तेल से ही करनी है। जिस तेल में विटामिन ई अच्छा है उसको आप हल्का सा गर्म कर लीजिए, बस निवाया करना है उसको, और फिर उसको आप अपने मसाज करेंगे। मसाज आप कैसे करेंगे देख लीजिए। मसाज आपको नीचे से ऊपर की ओर ऐसे करनी है, जो मसाज का जो मोमेंट होगा ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा जो मोमेंट होगा आपका मसाज का। ये सोने से पहले आप मसाज कर सकते हैं, कुछ मिनट्स के लिए आप ये मसाज कीजिए रोज़। एक है कि जब हम च्युइंगम खाते हैं तो हमारे जो पूरे चेहरे की तरह से जो हमारे जितने भी मसल्स हैं आसपास के सबकी एक्सरसाइज होती है अच्छे से। तो जो लोग च्युइंगम खाते हैं, और कोशिश कीजिए कि जो शुगर फ्री है ये वाला खाइएगा, तो उसको खाइए, चबाते रहिए चबाते रहिए, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरा, च्युइंगम खाने से थोड़ा भूख भी कम लगती है, तो उससे भी आप थोड़ा कम खाना खाएं। थोड़ा मैं ये नहीं कह रही कि कम खाना खाना अच्छा है, पर जो लोग अधिक खाते हैं बहुत ज़्यादा, इसके कारण उनको मोटापा ज़्यादा है। दूसरा, जो लोग बहुत तनाव लेते हैं उसका भी उनका उससे भी उनका जो फेशियल फैट है बढ़ता है, जो ये मांसपेशियाँ हैं चेहरे की कमज़ोर होने लगती हैं। तो मुस्कुराते रहिए, अभी के लिए मुस्कुराइए और मुझे विदा दीजिए। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।